देखा होगा, एक देखना एक आदमी ऐसे खड़ा होता है, कुछ खड़े जाते लाइन से खड़े जैसे ऐसे 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 एक आगे राइट, आपने देखा होगा ऐसे बहुत लंबी लाइन दिखती है आप लोग, कई बार देखा आपने देखा नहीं देखा 500 की लाइन है। अब अगर आप सोचो कि हे भगवान इतनी लंबी लाइन है, हाउ इज द पॉसिबल कि मैं वहां तक पहुंचूंगा, आप सिर्फ देखते रहोगे तो नहीं पहुंचोगे, हाँ ना? Yes. आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको इस बीच में खड़े हो जाना है बस, पीछे वाला आगे मारेगा, आगे वाला पीछे मारेगा, धक्का लगते 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 हम पहुंच जाएंगे, हाँ ना? बिल्कुल। ये सुनो, yes. सिर्फ खड़े होना, सिर्फ खड़े होना, रेडी हो? Yes. रेडी हो? थैंक यू। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, मैं थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कुछ हमारे एमपी के टॉप लीडर्स हैं, बेसिकली रुक्मणी मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार आइए रुक्मणी मैम, ब्यूटीशियन है, पैसे से बहुत सारा काम भी कर रही है, रुक्मणी प्लीज कम ऑन द स्टेज। और ये ब्यूटीशियन भी है और इस बिजनेस को बहुत ही पॉजिटिवली स्टार्ट किया, मैडम कैसा महसूस कर रही है? और आपने किस प्रोडक्ट पे यूज किया बताइए, ज्यादा वक्त ना लेते हो। सर मैं बायोरेडिंग जूस यूज करती हूँ और ब्यूटी बैर कैप्सूल, मैं खुद भी ब्यूटिशियन हूँ, हर मंथली मैं फेशियल वगैरह लेती थी और काफ़ी टाइम्स मैंने बंद कर दिया है, मेरे नेल्स नेचुरली बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, हेयर फॉल्स कम हो गए हैं, मतलब मेरे खुद का एक्सपीरियंस है ये और मैं अपने कस्टमर को भी सैटिस्फाई बताऊँ और मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। रिसेंटली मैडम का बर्थडे था, एक बार मैडम को हैप्पी बर्थडे बोलने से। मैं चाहता हूँ, मैं भी आपको मिलाना चाहता हूँ, मेरे बहुत ही अभिन्न एसोसिएट हैं और बेसिकली बहुत दूर से आए हुए हैं उड़ीसा से, तो मैं चाहता हूँ इंजीनियर एंड पैसे से इंजीनियर हैं और गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पोस्ट पे नौकरी करते हैं, मैं चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे वो कौन है, एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी इंजीनियर साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हिंदुस्तानी बहुत सारी ऐसी जगह है जिनसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे एमपी के जबरदस्त लीडर सूरज जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आइए जबरदस्त पर्सनालिटी। मेरा नाम जीवे सर प्रधान है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस में कैसा महसूस कर रहा है, आपने सीबकथॉर्न जूस पिया है, कितने महीनों से पी रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं और कैसी अर्निंग आ रही है, कैसा लग रहा है? अर्निंग तो जबरदस्त आ रहा है और सीबकथॉर्न बहुत बढ़िया है और आज का मैं बोलता हूँ सुबह 4 बजे मैं सीबकथॉर्न पिया था और अभी तो खाना भी नहीं खाया, तो पेट पेट सही है। सुबह 4 बजे सीबकथॉर्न पिए और अभी तक भूख भी नहीं लगी है और सर बताओ ये इनका बस हाल नहीं है, ये मेरा भी हाल है, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम मैंने चुकी, इसलिए वो यहाँ पे भी नहीं है, रक्षाबंधन में माइके चली गई तो माइके ही होगा ना, माइके चली जाएगी तो क्या करते देखते रहिए हो गया और मैं अभी भी लिटरली मैं खाना नहीं खाया, दिस इज द पावर ऑफ बेसिकली सीबकथॉर्न जूस और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। अब आप सुबह से लोग सोच रहे होंगे यार ये मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक झूठ बोल सकता पूरा हिंदुस्तान का भी झूठ नहीं बोल सकता। बात वही है, पहले इस्तेमाल करो। और मैं आपको बताऊं ये बिजनेस क्या है, इन सब के जो सीनियर मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, इन सब के सीनियर,
ये बिजनेस क्या दे सकता है कि बिजनेस को कोई भी रिकमेंड करते, सबसे पहली मेरी फर्स्ट आईडी सरायपुर शहर की, उम्र है 55 और दिल है बचपन में, चाहता हूं हरविंदर साहब जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया बिजनेस को, जूस को लिया, राइट, सबसे पहले। इसके बाद इतनी बड़ी टीम हो गई, इनको पता भी नहीं चला कैसे नल ले कहते पड़ता हूँ नहीं पता जी ऐसा सा काम है। तो ये इस बिजनेस की ताकत है, काम सारे लोग कर रहे हैं, पैसा इनके घर पे जा रहा है, एक नेटवर्क से जा रहा है, एक बिजनेस से जा रहा है, एक साइड से बिजनेस बन रहा है, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है, जिस दिन अपना दूसरा स्टार्ट करेंगे उस दिन पैसा ना करोड़ों रुपए का बिजनेस बन चुका है। और शायद इनमें से किसी को भी इन्होंने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिया था, बीच रास्ते में खड़े हो गए थे और उसका नतीजा साहब इतना बड़ा नेटवर्क इनके साथ काम रहा है। भाजी कैसा महसूस कर रहे हैं? सालों तो पल्ले पल्ले है, ठीक है, तो ठीक है, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया। और ऐसा सही मानो में ऐसा जोश 63 साल में युवा चल रही है, जाकर इनसे मिलाओ तो जवानी वापिस आ रही है। रियली बता रहा हूँ, मतलब मैं बच्चा ये बोलते बचपन का हो गया, बचपन का डर बचपन हो गया, तो ऐसा वो युवा मैं बूढ़ों का डरने छोड़ दिया, मतलब या जवानों का रहकर तो फायदे में आएगा। तो एक बार पहले डांस अच्छे और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे, वैसे हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट होना चाहिए, लीडर भी होना चाहिए और बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं 2 मिनट चाहता हूं वो स्टेज पे आए और कांग्रेस से बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिवभक्तों यूजर है। मैं चाहता हूं राहुल पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के मंत्री। बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और हमारे बेसिकली सी बकथॉन को यूज भी करते हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं सी बकथॉन के बाद, क्या प्रॉब्लम थी आप प्लीज बताइए। मैं पहले मुझे डगार आती थी और हिचकियां सुबह मॉर्निंग में आया करती थी, मैंने पांडे जी के साथ जुड़ा मैक्सिमम 3-4 सालों से, हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि आप तुलसी पीजिए और तुलसी से आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। मैंने मैक्सिमम 5 से 6 दिन ये तुलसी पिया और मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। उसके बाद मैंने सी वर्थान का बायोसिस भी मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, एनर्जेटिव रहती है और काफ़ी अच्छा काम करने में भी मन लगता है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर यूज नहीं करते हो तो ज़रूर यूज करिए, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ एक बार हमारी पूरी विनिंग टीम मैं लेकर गिनाना चाहूँ, जिनको आप देख रहे हैं बेसिकली जिनके कारण हैं, जिनको आप ये देख रहे हैं जिनके कारण ये सारे लोग हैं। चूंकि कहते हैं आदमी वो, एक बार आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ फिर अपनी बातें क्लोज कर दूंगा मैं। आपने मंदिर का पत्थर देखा है आपने मंदिर का पत्थर जो नीचे लगा होता है टाइल्स, और जो टाइल्स से होके आप जाते हो उसके ऊपर जो भगवान बैठे होते हैं वो भी क्या होते हैं, पत्थर ही होते हैं, राइट। कैसा लो दोनों में लड़ाई होने लगी, दोनों में बात होने लगी और खूब तेज तेज लड़ाई हो रही थी। उसने पूछा तू कुत्ते ये बता कि तूने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया तेरे ऊपर फूल चढ़ाती है, माला चढ़ाती है, नतमस्तक करती है और तुमसे आशीर्वाद लेना चाहती है। कौन बोल रहा? ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा? ये वो वाला पत्थर बोल रहा है जिसके ऊपर लोग चल के उसके ऊपर जाके फूल नारियल चढ़ाते हैं। उसने बोला ध्यान कर बेटा, एक दिन जब एक वो हाथ छेनी हथौड़ी पे वार करने वाले क्या बोलते हैं मूर्तिकार
आया था, मैं और तू दोनों बगल बगल में पड़े हुए थे, दोनों बगल में पड़े थे। एक मूर्तिकार आया है, उसने मुझे पकड़ा तो तू बेटा हंस रहा था कि बेटा तू तो हंस गया है, अब तुझे लेगा, क्या लेगा, ठोकेगा छेड़ी और हथौड़ी से। तू एक दिन हंसा था कब, जब मैं पकड़ा गया था। तू हंस रहा था कि मेरे ऊपर छेड़ी और हथौड़ी का वार होगा, और मैं एक दिन रोया था जब मेरे ऊपर छेनी चल रही थी ना, जब मुझे रूप दिया जा रहा था, रूप दिया जा रहा था, मार रहा था, तो मैं रो रहा था। तू हंस रहा था, बेटा तू तो फंस गया। बेटा तू एक दिन हंसा है, मैं एक दिन रोया हूं, तू जिंदगी भर रोएगा, मैं जिंदगी भर हंसूंगा। आपके साथ भी ऐसा होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, इन सबको भी तुझे जो पहले हंसा था, बेटा तू तो फंस गया, पांच चार डूब जाएगा। भगवान जी ने पांच चार से ताजमहल बनवा लेता क्या है ना, ताजमहल बनवा सकता था क्या, पेंट भी नहीं होता ताजमहल में पांच हजार में, लेकिन वो क्या बोल रहा बेटा तू तो फंस गया। जमीन के ऊपर छेनी और थड़ी लगा होगा, लोगों ने मना किया होगा, हमने मना किया, लोग ऐसे ऐसे ताना देते थे, और करोड़पति क्या हलचल है, लगता था बाप रे बाप छेन चल रही थी। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग अलग है। मैं फ्री में बात भी नहीं करता, आप भी पैसे दे के आए होंगे। दिस इज द पावर ऑफ छेनी एंड हथौड़ी। अभी आप भी जब डिसीजन लोगे ना, दुनिया आप पे भी हंसेगी, दुनिया आप पे भी हंसेगी कि तू तो फंस गया। लेकिन ध्यान रखना वही वाली कहानी, तू एक दिन हंसेगा, मैं एक दिन रोऊंगा, तू जिंदगी भर रोएगा, मैं जिंदगी भर हंसूंगा। ये सुनो तो स्टार्टअप करिए, और मैं अपनी टीम को बनाना चाहता हूँ जिनके कारण ये सारे लोग, हम सब लोग यहाँ पे। सबसे पहले मैं चाहता हूं, बहुत ही अच्छे लीडर है, बहुत ही अच्छे वक्ता है, और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। मैं चाहता हूं एक बार जबरदस्त तालियों के साथ सूरज जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सॉरी मैं थोड़ा सा नाम बोल रहा हूं, पेज मेरे से मिस हो चुका है सर। आप अजय अजय सागरवंत जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सॉरी अजय सागरवंत जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। एक बार जब स्टैंडिंग होनी चाहिए सागरवंत जी। ये बोल रहे साहब, ये वो लोग हैं जिन लोग अथक प्रयास करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, अभी स्टर्लिंग टाइम है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं दावा ही नहीं वादा कर रहा हूं आपको, ये छह महीने बाद जब आपको दिखेंगे ये चमकते हुए सितारे मिलेंगे साहब, चमकते हुए सितारे मिलेंगे। क्योंकि छह महीने पहले ऐसे ही ये लोग भी स्ट्रगल करते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। और देखो इस दुनिया में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा आप मेरे से चेहरे में ज्यादा सुंदर हो सकते हो, हां या ना, हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने बनाया, क्या कर सकते हैं। आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, हाँ या ना, आप मेरे से ज्यादा हैंडसम हो सकते हो, हाँ या ना, आपकी पर्सनालिटी मेरे से ज्यादा हो सकती है, आप मेरे से ज्यादा रईस हो सकते हो, आप मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो सकते हो, लेकिन मैं ये दावा ही नहीं, वादा अपने आप से किया है, आप मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, मेहनत में मैं दुनिया को भी कर दूंगा, 100% कर दूंगा। और यही चीज मैं अपनी पूरी इंटायर विनिंग टीम को सिखाता हूं, और सच बताऊं तो साहब मेरे अंदर कोई दम नहीं है, दम तो इन लोगों के अंदर है जिनके बदौलत संतोष पांडे संतोष पांडे है, फुरकान खान फुरकान खान है, भारत भूषण साहू जी भारत भूषण साहू जी है, शिव पूजन तिवारी जी शिव पूजन तिवारी जी है, वासुदेव शुक्ला वासुदेव शुक्ला, ये वो लोग हैं। नेक्स्ट मैं चाहूंगा हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर है यशवंत साहू जी प्लीज कमांड द स्टेज। यशवंत जी प्लीज आइए। और इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बहुत ही एक्टिव एंड बहुत ही एनर्जेटिक बायोसेस की फैमिली के सबसे हैंडसम और सबसे छोटे लीडर, मैं चाहता हूं प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। आइए जबरदस्त आइए आइए सर, क्या जान करें, सबसे छोटे आप ही आइए, अरे आइए सर, मैं नाम प्लीज आइए आइए सर। अभी इनको आप देख के लग रहा होगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये क्या करते होंगे, मैं आपको बताऊं साहब, ये संतोष पांडे से बड़े लीडर हैं, सच बता रहा हूं। 10 साल पहले मैं भी ऐसे का पतला दुबला देखा आपने ना, देखा आपने ना, यस सर। और सच बताऊं मेरे साथ तो कोई था नहीं, कोई लीडर सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, अकेले घूमते थे साइकिल लेकर के। इनको भी आप सुन लोगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे गारंटी देता हूं। ऐसे लीडर है, इतना डेडिकेशन, सोचो अपना घर छोड़ करके शहर में आके काम करने के लिए, रेंट पे लेकर के, घर लेकर के रेंट पे, यहाँ पे रहने के लिए, खाने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, बायोसेस की फैमिली में काम करने के लिए। ये कामयाब नहीं होंगे तो कौन कामयाब होगा यार।
सफलता जो है ना पसीना मांगती है, मेहनत मांगती है। देखो सोना भी एक बहाना है और उठना भी एक बहाना है। सोना भी एक आदत है, उठना भी एक आदत, मेहनत करना भी एक आदत है और मेहनत ना करना भी एक आदत है। तो सब चीज आदत है साहब। कामयाब होना भी एक आदत है और कामयाब ना होना भी एक आदत है। अगर आपने कामयाब होने की आदत लगा लिया तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। अगर आपने नाकामयाब होने की आदत लगा लिया आप डेफिनेटली आप नाकामयाब होंगे। और हमारे बीच सारी मैंने देखा नहीं था, पहली बार अभी आपको देखा, सावन जैन जी भी उपस्थित है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, दुर्ग से हैं, बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन है। पिछले 30 से 40 सालों का बिजनेस का तजुर्बा है और मैं चाहता हूँ सावन जैन जी प्लीज हमारे से आप आइए। पर इतना समय हो जाने के बावजूद भी आज तक ऐसा लगता है कि मैं अस्थिर हूँ। एक रूटीन इनकम की हर किसी को एक जरूरत है। कितने लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया अभी तक? मेरी जो शॉप है वो ऐसी जगह में है रेलवे स्टेशन के सामने, हर कोई उस चीज के लिए तरसता है। उसमें मैंने 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन तो भी आज मेरे को ये डर लगता है कि एक स्थिरता की जरूरत है। और इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे ये लगता है कि नहीं, यही एक ऐसी चीज है जो मेरे बाद भी मेरे बच्चों को मिलती रहेगी और एक पैसिफिक इनकम मेरे घर में आती रहेगी। और इसका प्रोडक्ट भी मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ। कुछ समय पहले का एक अनुभव है मेरा, मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिया था, हर रोज एक नींद की दवा मुझे खानी ही पड़ती थी। ये जूस मैं विगत 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और मैंने नशे की दवाई खाना बंद कर दिया है। और मैं आप इस बुलाना चाहता हूँ एक बैरी हमारी, अभी आपने सुना ही होगा एंकर को, आपने सुना ही होगा। मैं चाहता हूँ सुमन मैम एंड पूनम मैम प्लीज सुमन देश और पेशे से डॉक्टर है। मैं चाहता हूँ हमारे बहुत अच्छे लीडर और अपकमिंग बुलेट अचीवर, आज मैंने अनाउंस कर दिया है अपकमिंग बुलेट अचीवर, मैं चाहता हूँ डॉक्टर मस्करे साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जबरदस्त तालियां से स्वागत करें डॉक्टर मस्करे जी, प्लीज आइए। और मैं हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। मैं चाहता हूं हमारे ये सारे वो लोग हैं जिनके कारण संतोष है सकते। ये वो लोग हैं साहब। मैं चाहता हूं हमारे बीइंग मिस्टर महेंद्र देवानी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत अच्छे ट्रेनर, बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर। मैं चाहता हूँ देवानी जी 2 शब्द आप जरूर बोले, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं? एवरीबॉडी गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करिए क्योंकि आपने इस पे भी वक्त निकाला है आने के लिए। आज टीचर डे है तो स्पेशली मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा टीचर के लिए। वेल, आप सबकी लाइफ में जो पहले टीचर होते हैं वहां पे पेरेंट्स होते हैं। आई एग्री, पेरेंट्स आपको घर में चलना सिखाते हैं, यदि आपको लाइफ में चलना सीखना तो आपको एक सेकंड गुरु की जरूरत होगी जिसको बोलते हैं टीचर। तो वो हमारे सेकंड गुरु हैं टीचर। टीचर खुद जल के आपको रोशनी देते हैं, तो मैं कल इतनी लाइन बोलना चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ मेरी नजरों के सामने प्रांजल अग्रवाल जी भी है, प्लीज प्रांजल जी कम ऑन द स्टेज एंड प्लीज कम ऑन द स्टेज।